मछलियाँ पकड़ना और उनकी प्रोसेसिंग का काम आपको हिंदुस्तान में भले हल्का लगे, लेकिन विदेश में इस काम की बड़ी डिमांड है। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ प्रोफेशनल्स की मदद से इस काम को पूरा करवाती है। यहाँ कंपटीशन इतना जबरदस्त होता है कि मछलियों को फ्रेश बनाए रखने के लिए उन्हें शिप्स में ही प्रोसेस कर दिया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस तरह पानी के जहाज में मछलियों को पकड़ने से लेकर उनकी साफ सफाई और पैकेजिंग का काम किया जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपने शायद ही ऐसा कोई काम पहले कभी देखा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मछलियों को पकड़ना, उनकी साफ सफाई करना और आपकी रसोई में पहुंचने तक वो खराब ना हो और उनका जायका बना रहे, इसके लिए बड़े बड़े पानी के जहाजों में एक लंबी चौड़ी टीम बेहद बारीकी से इस पूरे काम को अंजाम देती है। यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए जाल और हुक्स का सहारा लिया जाता है। जहाँ एक तरफ समुद्र की छोटी मछलियाँ खुद ब खुद बड़े जाल में आ जाती है, तो वही बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लिया जाता है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, यानी कि उन्हें यहाँ बेट के तौर पर हुक्स में बांधा जाता है, जिसके लालच में बड़ी मछलियाँ इनमें फंस जाती है। अब वैसे तो शिप में ज्यादातर काम को तेजी से पूरा करने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल होता है, मगर कुछ काम मैन्युअली भी किया जाता है। यहाँ हुक्स लगी चेन्स या फिर रस्सियों पर खास तरह के इन्फ्लेटेड बलून्स बांधे जाते हैं, ताकि रस्सियाँ पानी के ज्यादा नीचे ना चली जाए, वही मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने में ज्यादा वक्त ना लगे। इसके लिए यहाँ तकनीक की मदद भी ली जाती है। सैटेलाइट इमेजेस या फिर दूसरे उपकरणों की मदद से समुद्र के ऐसे इलाकों का सिलेक्शन किया जाता है जहाँ मछलियों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद होती है। ऐसे में मछलियों को पकड़ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कुछ ही घंटों बाद जाल छोटी मछलियों से और सभी हुक्स बड़ी मछलियों से भर जाते हैं, जिसका पता लगते ही मशीन की मदद से हुक लगी चेन्स को वापस जहाज में खींच लिया जाता है। अब यहाँ मछलियों का शिप में आना भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो मछलियों का सैलाब आ गया हो। यहाँ मछलियों को शिप में लोड करते वक्त कुछ वर्कर्स मैन्युअली ही मीडियम और बड़ी साइज की मछलियों को उनकी वैरायटी के हिसाब से अलग कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ जो बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती है उनका वजन हमारे यहाँ के नॉर्मल बकरों से भी 4-5 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि इनके दाम भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब मछलियों को अलग अलग प्लेस पर लेने के बाद बारी आती है उनकी सफाई की। अब भले सभी मछलियों को पानी से निकाला गया हो, लेकिन उन पर लगी गंदगी और खून को साफ करने के लिए उन्हें साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन सभी मछलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से होते हुए जहाज की सतह से नीचे मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले बड़ी बड़ी मछलियों का वेट एंड ऑल सब चेक किया जाता है और फिर किसी अनुभवी शख्स से उनकी सफाई और कटाई का काम करवाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे वर्कर बड़ी ही सफाई से खुद से कई गुना ज्यादा बड़ी फिश को आसानी से फाइनली काट रहा है। खैर, ये तो हुई बड़ी मछलियों की बात। जो सामान्य मछलियाँ रहती है उन्हें या तो मैन्युअली या फिर मशीन्स की मदद से अंदर से साफ कर लिया जाता है। इन्हें सबसे पहले तरीके से एक मशीन पर सेट किया जाता है और फिर उसके बाद मछलियों के सिर को अलग कर लिया जाता है। फिर पैने चाकू की मदद से उन्हें बीच से काटा जाता है, जिससे उनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। कुछ जगह इन ऑर्गन्स को यूज नहीं किया जाता, लेकिन किसी किसी शिप में सिलेक्टेड मछलियों के खाए जाने वाले ऑर्गन्स को इसी प्रोसेस के दौरान अलग कर लिया जाता है। अब मशीन्स ने अपना काम ठीक तरीके से किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए वर्कर्स खुद भी मछलियों को अंदर से चेक कर लेते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का इसमें मिल जाता है तो उसे हाथ से ही अलग कर लिया जाता है। हालांकि इसकी गुंजाइश काफी कम होती है, लेकिन फिर भी सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए मैन्युअली भी ये सब चेक कर लिया जाता है। अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पकड़ी गई मछलियाँ कोई आम मछलियाँ नहीं होती, इनमें से कुछ की कीमत तो न सिर्फ हजारों में बल्कि लाखों और करोड़ों में होती है। इसलिए पूरा काम सफाई से किया जाता है। सिर और ऑर्गन्स को अलग से धोने के साथ साथ मछलियों को एक बार फिर साफ पानी से धोया जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ बता दे कि मछलियों की ये पूरी प्रोसेस लाइन एल्यूमिनियम और नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से तैयार की जाती है, जिससे मछलियाँ बिल्कुल सेफ रहती है। यहाँ कुछ कुछ कंपनीज फिश फिलेट्स भी तैयार करती है, जिनके लिए सबसे पहले मशीन्स द्वारा फिश की आउटर स्किन को साफ किया जाता है, जैसा आपने बुचर शॉप में बुचर को हाथ से करते देखा होगा। अब फिश की खाल को छील लिया जाता है, जैसे हम पीलर की मदद से आलू या फिर सेब के छिलकों को छीलते हैं, जिससे हमें फिश का एक चमकदार लचीला हिस्सा मिल जाता है, जिसे इंस्पेक्शन के बाद एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो उसमें मौजूद पानी और कांटों को अलग कर देता है। अब इन पीसेस को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है।
उधर साबुत फिश की सफाई, कटाई और फिर सफाई के बाद अंत में बारी आती है उन्हें पैक करके देश और दुनिया में भेजने की, जिसके लिए सबसे पहले साफ मछलियों को फ्रीजिंग ट्रेज में डाला जाता है और अगले कुछ वक्त ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ मछलियों पर लगा पानी कुछ ही वक्त में बर्फ बन जाता है और ट्रेज में रखी मछलियाँ एक दूसरे से चिपक कर जम जाती है, जो किसी सॉलिड ब्रिक की तरह नजर आती है। इसके बाद लगभग पूरा काम मशीन्स की मदद से किया जाता है। पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी मछलियों को यहाँ पहले एक खास तरह के प्लास्टिक से रैप किया जाता है और फिर बाहर से इसमें एक मोटे कागज की रैपिंग की जाती है। वैसे ये पैकेजिंग मछलियों की कंपनी टू कंपनी डिफर करती है, जैसे कहीं कहीं फिश पैकेजिंग के लिए कार्टन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पैकेजिंग का काम पूरा हो जाने के बाद मछलियों के बंडल्स को शिप में ही मौजूद रेफ्रिजरेटर्स में एक खास तापमान पर स्टोर कर लिया जाता है, जिन्हें बाद में पोर्ट पहुंचने पर सिलेक्टेड मार्केट्स में भेज दिया जाता है या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। वैसे यहाँ फिश पकड़ने से लेकर पैकेजिंग तक में लगे मशीन्स और वर्कर्स की दाद दी जानी चाहिए, क्योंकि ये मछलियाँ इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार की गई होती है कि कई दिनों बाद भी खाए जाने पर इनका स्वाद नहीं बदलता, ना इनमें बदबू आती है और ना ही इनका रंग और टेक्सचर बदलता है। तो चलिए दोस्तों, मछली पकड़ने और उसकी प्रोसेसिंग से जुड़ा ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।